थरोरा तहसील के ग्राम खोना के ग्रामीणों ने रायपुर कलेक्टर से एवं अनुसूचित जनजाति आयोग में ग्राम के सरपंच हेमंत ठाकुर की शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच के निर्देश पर ग्राम के कुछ नाबालिग आदिवासी बालकों से नाली साफ कराई का कार्य करवाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है। इसकी शिकायत अनुसूचित जनजाति आयोग में भी की गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए यह भी बताया कि कोरोना महामारी में शासन के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। ग्रामीणों ने सक्षम अधिकारी से प्रकरण की जांच कर उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया है। विगत कुछ वर्षों से गांव में हो रहे विकास कार्यों, रोजगार गारंटी के कार्यों में अत्यधिक भ्रष्टाचार हुआ है एवं वित्तीय अनियमितता हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता विहीन सामग्री का उपयोग कर भ्रष्टाचार किया गया। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।